हाय गाइज, माई सेल्फ अंकुर एंड आई एम अ वेटनरी स्टूडेंट। दोस्त, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक एक सब्सक्राइब से मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग मैसेज करके ये पूछे थे कि क्या हॉस्टल अलाट कराना कंपलसरी है एडमिशन या काउंसलिंग के टाइम पर। गाइज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल लेंगे या नहीं लेंगे। पर गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर रह के पढ़ूंगा तो बिल्कुल आप ऐसा कीजिए, लेकिन एक बार ये भी सोचिए कि अगर कॉलेज लाइफ में हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं किए तो समझ लीजिए सब बेकार है। क्योंकि हॉस्टल लाइफ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा लाइफ में आपको याद रहेगी कि नहीं, कुछ अच्छा मैंने किया था है। और आपके जो दोस्त बनेंगे, जो अटैचमेंट हॉस्टल लाइफ में रहेगी, वो बाहर आपको रूम लेके रहने में नहीं मज़ा आएगा। और एक चीज़ में और गाइज, एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप हॉस्टल अलाट कराते हैं तो आपको एक बार सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में 10 या 15 हज़ार रुपये पे करना पड़ सकता है, जो कि रिफंडेबल होगा। जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो आप उसको ले सकते हैं। मेस बिल, अगर आप सोच रहे होंगे कि मेस बिल कितना आएगा, तो वो आपके डाइट के ऊपर निर्भर करता है। ये हमेशा यानी कि एवरी मंथ आपको पे करना होगा। तो गाइज, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।